लेट अस सी एन एग्जांपल ऑन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. मतलब आपको पहले भी जैसे मैंने बताया था, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ एक एग्जांपल है, ये आप देख लेंगे सो दैट आपको पता चल जाए कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मतलब आ सकते हैं, या फिर कुछ मतलब जो अलग कंसेप्ट है वो बन सकता है. इससे अलावा आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन के लिए इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना, किसी भी बुक में नहीं जाना, ठीक है. लेट अस सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में 14 है, इसमें क्या है कि एक रीजन है ऑफ रेडियस आर, ये पूरा रीजन है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. अब हमने एक ए रेडियस की रिंग इसके अंदर प्लेस कर दी, ऑलराइट. और जो ए रेडियस की रिंग है उसके ऊपर पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है क्यू, राइट. और अब मैंने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड थी और एकदम से मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, और वो पूछ रहा है कि अब ये ओमेगा से रोटेट करने लगेगी तो एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा. पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, आधे से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट कई लोगों को नहीं, बहुत लोगों को नहीं आता होता, ठीक है, कई जगह नहीं कराया जाता, बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है. जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ करी तो क्या हुआ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गई, बिकॉज dv बाई dt की कुछ वैल्यू हो गई. इनिशियली b था, फाइनली 0 हो गया. कुछ चाहे बहुत छोटा टाइम लगा, लेकिन कुछ टाइम लगा. इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक फ्लक्स जनरेट हो गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग गई, ठीक है. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से नॉन कंजर्वेटिव, ये आपको पता है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, तो वो क्या होगी, वो सर्कुलेशन में मूव करती है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलेशन में होती है. तो अब चार्जेस थे यहाँ पर, सर्कुलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी एक ए रेडियस पर, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है चारों तरफ, इसका मतलब वो टोटल उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, उसकी वजह से एक टॉर्क लगेगा. उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है. कुछ टाइम बाद वो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज उतने स्मॉल dt टाइम के लिए टॉर्क लगेगा, राइट. तो अब ये ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, उस ओमेगा की वैल्यू देखनी है कि कितनी होगी, ठीक है. अब ये जो कंसेप्ट है एक्चुअली में अगर पेपर में आता, मैं आपको बता रहा हूं कि किसी को भी समझ नहीं आता इसमें क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज नोबडी नोज अबाउट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतना कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है. लेट अस, अब हमको क्या है कि ये जो रिंग रखी है हमने, इसका हमको नहीं पता कि ये रेडियस जो है इट इज ग्रेटर देन, मतलब ये जो रिंग है ये इस फील्ड के अंदर है या फिर इस फील्ड के बाहर है, ठीक है, ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में. तो लेट अस अज्यूम कि व्हेन ए इज लेस देन आर, तब टॉर्क कितना लगेगा, डी क्यू इंटू ई इंटू ए, ठीक है ना. ई इंटू ए क्या हो गया, ईएमएफ जनरेटेड इंटू ए एरिया, मतलब इंटू टॉर्क हो गया. क्यू इंटू ई क्या हो गया, ये फोर्स होगी इंटू ए टॉर्क हो गया, ठीक है. क्यू ई ए ये टोटल हो गया. नाउ टॉर्क टावर डॉट डी टी इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ये आपको पता है. द चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, इतना चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा. तो क्यू ई इंटू ए इंटू डी टी इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब ई की वैल्यू डाल देंगे, जो हमको पता है जब इनसाइड द ये होती है, इनसाइड द रीजन होती है, तब ई की वैल्यू होती है हाफ ऑफ डी बी बाई डी टी इंटू ए, ये पता है हमको, ठीक है. तो मैंने यहां पे वैल्यू डाल दी, इससे आ गया ये डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो मेरी ओमेगा की वैल्यू आ गई. तो बिल्कुल सिंपल था, आपने सिर्फ फॉर्मूला का यूज करा, ठीक है ना. लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है, राइट. नाउ ये तो हो गया, तब इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट और है, वो आप निकाल सकते हैं आराम से, आई इंटू ओमेगा, वो आपको पता ही है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला. नाउ व्हेन ए इज ग्रेटर देन आर, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है, ठीक है ना. सिर्फ आप यहां पे जो मैंने फॉर्मूला डाला था, इसकी जगह मैं ये वाला फॉर्मूला डाल दूंगा और ओमेगा की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है. तो एज सच क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था. अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन से पहले आपके बुकलेट में कुछ पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके दे रखे हैं, अगर आपको समझ आते हैं तो इट्स गुड. उसके अंदर कुछ याद नहीं करना, बस वो समझने वाली चीजें एक बार पढ़ लें, दैट्स इट. उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है. मैं आपको ये कई बार रिपीट कर चुका हूँ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. आपने बस एक कंसेप्ट समझ लिया, दैट इज इट. इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है, नॉर इट इज एक्सपेक्टेड. लेकिन बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इन केस अगर आ गया तो आप बाकी बच्चों से बहुत ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज नन ऑफ देम विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो आप ज्यादा उसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ. आप बुक से एक बार दोबारा रीड कर लेंगे और बाहर के कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है.